तरीके से तेज आंधी चली, उसके बाद कई जगह पर राजधानी पटना के कई जगह पर सड़क पे पेड़ गिर गए हैं। और देखिए पहली तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सचिवालय के पास जो है वो 20 रास्ते पर एक विशाल सा जो पेड़ है वो गिर गया था। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजाना मुख्य सचिवालय जाते हैं इसी सड़क से होकर, इसी मार्ग से होकर, लेकिन जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो यह पेड़ गिरा हुआ था। मुख्यमंत्री खुद गाड़ी से उतरकर जो है वह आगे की ओर पैदल ही गए। जब यहां मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि जल्द से जल्द जो है सड़क को खुलवाइए। और देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो यह सड़क है वह चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल तेज आंधी तूफान रात में आई, ओलावृष्टि भी गिरे, तो कल रात से अभी तक जो है वन विभाग की टीम सोई हुई थी। जब मुख्यमंत्री पहुंचे, जब उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है ये रास्ता को चालू कराया, तो देखिए उसके बाद मुख्यमंत्री जब मुख्य सचिवालय गए हैं, उन्होंने अधिकारियों को, वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि जल्द ये रास्ता चालू कराए। और उसके बाद देखिए किस तरीके से वन विभाग की जो टीम है वह कैसे जो है वो रास्ते को चालू करा दिए। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कहे तो कल रात से 10 बजे तक, 9:30 बजे तक माफ़ कीजिएगा, वन विभाग की टीम सोई हुई थी जब मुख्यमंत्री पहुँचे। जब मुख्यमंत्री पहुँचे इस मार्ग से मुख्य सचिवालय की ओर, तो उन्होंने देखा कि सड़क जो है वो बाधित है, इस सड़क पर जो है पेड़ गिर गया है। और पेड़ गिर जाने की वजह से मुख्यमंत्री को जो है वह पैदल ही जाना पड़ा। तो उन्होंने निर्देश दिया है जल्द से जल्द जो है सड़क चालू कराए। और देखिए किस तरीके से वन विभाग की जो टीम है वो काम कर रही है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है आदेश दिए हैं, और उसके बाद जो है वन विभाग की टीम जो है वो मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हालांकि रात में पेड़ गिरी, रात में कल आंधी आई, लेकिन वन विभाग की जो टीम है वह अभी तक कहां सोई हुई थी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिदायत दी कि जल्द से जल्द चालू कराएं, उसके बाद ही यह कार्य जो है वन विभाग की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, खबरों के साथ बने रहें, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा, ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरिमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरिमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरिमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।